नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश पटेल है और मैं कृषि नेटवर्क कंपनी की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ आज चर्चा के लिए किसान मौजूद हैं जिनका नाम सत्यराम जी है और ग्राम सभा चेहरी जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। तो आइए आज हम इनसे कुछ खेती के विषय में दो चार सवाल इनसे पूछना चाहूँगा। तो बताइए सत्यराम जी, आप खेती का काम जो है ये आप कब से करते हैं? हम तो खेती काम जो है 5-7 साल पहले से कर रहे हैं। मतलब 5-7 साल से आप खेती का काम कर रहे हैं। तो इस टाइम आप ये बताइए कि मतलब लगभग कितनी जमीन पे आप खेती का काम कर रहे हैं? कम से कम 50 डिसमिल खेती का काम। 50 डिसमिल पे अभी आप इस टाइम जो है खेती का काम कर रहे हैं। तो उसमें ये बताइए कि आप फसलें वगैरह जो है मतलब कौन कौन सी फसलें आप अपने ज़मीन पे उगाते हैं? धान गेहूं उगाते हैं और सब्जी थोड़ा बहुत उगाते हैं। धान गेहूं और ये सब्जी की खेती आप करते हैं। तो सत्यराम जी ये बताइए कि सब्जी में आप कौन सी सब्जी की खेती करते हैं? सब्जी करते हैं, बोरा करते हैं, भिंडी करते हैं, नेनुआ करते हैं। बोरे की खेती आप करते हैं? तो की खेती करते हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये बोरे की खेती ज़रा आप बताइए हमको, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि मतलब बोरे की खेती आप कैसे करते हैं, क्या उसमें दवा वगैरह डालते हैं, कब उसकी उसका बुआई वगैरह करते हैं, जरा इस पर कुछ आप बताइए। बुआई जो है जनवरी में ना करते हैं। जनवरी के महीने में आप बोरे की बुआई करते हैं? जनवरी फरवरी में ना करते हैं और मार्च से ना शुरुआत हो जाता है तुड़ाई। और टमाटर जो है सितंबर या अक्टूबर में ना उसकी रुपाई हो जाती है और दिसंबर जनवरी से उसकी भी तुड़ाई शुरू हो जाती है। और उसमें जो है जैसे खाद वगैरह जो उसमें आप बोने की खेती करते हैं तो उसमें खाद वगैरह कौन सा आप यूज करते हैं ज़्यादातर, जैसे कि रासायनिक या कंपोस्ट का खाद? जो है डाई और यूरिया या पोटाश ये इस्तेमाल किया जाता है। डाई और यूरिया और पोटाश का आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और उसमें मान लीजिए अगर बोरे वगैरह की खेती किए हैं आप, उसमें अगर कोई रोग वगैरह मान लीजिए अगर कोई लगता है, जैसे कि आजकल तो देख रहे हैं कीट वगैरह ज़्यादातर तो ज़्यादा लगते हैं, तो इस पे मतलब आप दवा वगैरह जो है आप कहाँ से लेते हैं? दवा जो है यही जो करीब रसूलपुर में दुकान है वहीं से दवा। अच्छा, प्राइवेट दुकान से आप दवा लेते हैं और उससे मतलब आपको ज़्यादा लाभ होता है? लाभ होता है। चलिए ठीक है, इस टाइम तो मान लीजिए कि अभी धान का सीज़न चल रहा है और धान का नर्सरी जो है आप बीज अभी अपने खेतों में लगाए होंगे, तो ये बताइए बीज वगैरह आप कहाँ से लेकर के आए थे? किसी प्राइवेट दुकान से? प्राइवेट दुकान से लेकर आए थे। और उसमें ये बताइए बीज वगैरह जो है मतलब जहाँ से आप लिए थे ये उसका अंकुरण क्षमता वगैरह ठीक ठाक है? हाँ हाँ, क्षमता ठीक है। इसमें धान की रुपाई से जो है संभाग की रुपाई। चलिए ठीक है। और ये बताइए इसमें आप जैसे कि अभी ये खेत में रुपाई वगैरह के लिए आप कौन से साधन का उपयोग करते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल, पंपिंग सेट या पंपिंग सेट अभी आपके पास है? हाँ। चलिए ठीक है। और ये बताइए इसमें कि जैसे कि ऐसा काम क्या काम किया जाए जैसे कि मतलब जो किसान भाई का जो आय वगैरह है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सके, अगर इस पे अगर कोई मतलब सुझाव आपके पास हो तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें कौन सा उपाय हम बताएं आप ही बताएं। जैसे कि अच्छा खाद प्रोवाइड कराया जाए हमारे किसान भाइयों को और अच्छा बीज वगैरह का सुविधा दिया जाए और पानी वगैरह का बढ़िया साधन किया जाए। हाँ, और उनका जो फसलें जो वगैरह जो हैं उसका उचित मूल्य दिया जाए जिससे कि किसान भाई हमारे खुशहाल हो सके। तो चलिए सत्यराम जी, आपने अपना कीमती समय आज जो हमको दिया और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और जन जन की कहानी अपने आप तक पहुँचाने के लिए आप डाउनलोड कीजिए कृषि नेटवर्क ऐप, जो आपको रखे हमेशा आगे। धन्यवाद।